मैं हूं आपके साथ वाकिश और आज हम आपके साथ मनाते हैं अप्रैल डे यानी कि मुक दिवस। अप्रैल डे केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। कुछ देशों में 1 अप्रैल को छुट्टी होती है लेकिन भारत सहित कुछ देशों में अप्रैल फूल के दिन कोई छुट्टी नहीं होती। अप्रैल को हर तरह का मजाक करने की छुट्टी होती है। यही नहीं, जिनके साथ मजाक होता है वह भी बुरा नहीं मानते। हम आपको बताते हैं कि किस दिन पहली बार किसको किसने मूर्ख बनाया था। देखिए इस खास खबर में। मूर्ख दिवस या अप्रैल फुल डे अलग अलग देशों में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। कुछ देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन में अप्रैल फुल डे केवल दोपहर तक मनाया जाता है। इन देशों में अप्रैल फुल डे दोपहर तक मनाए जाने के पीछे यह वजह है कि यहाँ के अखबार केवल सुबह के अंक में मुख्य पेज पर अप्रैल फुल डे से जुड़े विचार रखते हैं। इसके अलावा फ्रांस, आयरलैंड, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, रूस, नीदरलैंड, जर्मनी, ब्राज़ील, कनाडा और अमेरिका में जोक्स का सिलसिला दिन भर चलता रहता है। पूरे दिन मुख दिवस मनाया जाता है। पहली बार अप्रैल फुल डे कब मनाया गया इसके बारे में कोई खास जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि फ्रेंच कैलेंडर में होने वाला बदलाव भी अप्रैल फुल डे मनाने का कारण हो सकता है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द्वितीय की एनी की सगाई के कारण अप्रैल फुल डे मनाया जाता है। अप्रैल फूल से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। अप्रैल और मुक्ता के बीच सबसे पहला दर्ज किया गया संबंध चौसर के कैंटरबरी 1392 में पाया जाता है। कई लेखक यह बताते हैं कि 16वीं सदी में 1 जनवरी को न्यू ईयर्स डे के रूप में मनाए जाने का चलन एक छुट्टी का दिन निकालने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन यह सिद्धांत पुराने संदर्भों का उल्लेख नहीं करता है। इतिहास पर नजर डाली जाए तो 1 अप्रैल के दिन कई फनी घटनाएं हुई जिसके चलते इस दिन को अप्रैल फुल डे के तौर पर मनाया जाने लगा। जैसे 1540 में फ्लेमिश कवि डे डेने ने एक अमीर आदमी के बारे में लिखा जिसने 1 अप्रैल को अपने नौकरी को मूर्खतापूर्ण कार्यों के लिए बाहर भेजा। 1 अप्रैल 1698 में कई लोगों को शेर की धुलाई देख के लिए धोखे से टावर ऑफ लंदन में ले जाया गया। लेखक कैंटरबरी टेल्स 1392 ने अपनी एक कहानी नन की प्रेस की कहानी में 30 मार्च और 2 दिन लिखा जो प्रिंटिंग में गलती चलते गए और 32 मार्च हो गई जो असल में 1 अप्रैल का दिन था। इस कहानी में एक घमंडी मुर्गे को एक चालक लोमड़ी ने बेवकूफ बनाया था। इस गलती के बाद कहा जाने लगा कि लोमड़ी ने 1 अप्रैल को मुर्गे को बेवकूफ बनाया। वहीं अंग्रेजी साहित्य के महान लेखक जियोफ्री चौसर का कैटरबरी टेल्स 1392 ऐसा पहला ग्रंथ है जहां 1 अप्रैल और बेवकूफ के बीच संबंध जिक्र किया गया था। ऐसे तमाम किस्से हैं जिस वजह से अप्रैल फुल फनी तरीके से मनाया जाता है और अप्रैल फुल को मूर्ख दिवस भी कहते हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.